हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ इस वीडियो में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं अपनी ड्राइंग में कौन कौन से टूल्स यूज करता हूँ, हाउ मैनी टूल्स यूज इन माई ड्राइंग। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करना। तो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पार्ट वन बनाऊंगा और पार्ट टू। और पार्ट वन में मैं आपको शेडिंग के सारे टूल्स दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन कौन से यूज करता हूँ, और पार्ट टू में मैं आपको कलरिंग के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आती है हमारी शेडिंग पेंसिल। तो गाइस, इसकी हमने वीडियो अलग से भी बना रखी है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं अगर आपको इसे डिटेल में जाना है। अभी तो फिलहाल मैं आपको ऐसी इसे यूज करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा पेज, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें से 6वीं ग्रेड की पेंसिल यूज करूंगा, इसमें बहुत सारी है वैसे तो। एक मैं आपको ये यूज करके दिखा देता हूँ, ये रही हमारी 6वीं। तो देखिए, ये 6वीं का टेक्सचर कुछ ऐसे शेड आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पहली शेडिंग पेंसिल, इन्हें हम अलग रख देते हैं। और फिर सेकंड पर आती है हमारी ये नॉर्मल पेंसिल नटराज की, आप देख सकते हैं। सॉरी गाइस, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अप्सरा की है। तो मैं इस अप्सरा की पेंसिल को यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग में, और ज़्यादातर तो मैं डिटेलिंग के लिए अपनी लीड पेंसिल को यूज़ करता हूँ। ये 0.7 की लीड पेंसिल है फ्लेयर की, और ये है इसकी लीड्स फ्लेयर की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस, ये पेंसिल मैं जब यूज़ करता हूँ रफ स्केच के लिए, और जब डिटेलिंग करने की बारी आती है तो मैं इस लीड पेंसिल को यूज़ करता हूँ। तो गाइस, ये है हमारा रेंगर पेपर, तो आप इसे देख ही सकते हैं। ये काम आता है हमारी पेंसिल को ऐसे ऐसे करने में, मतलब शार्प करने में, एक तरह से आप मान लो ऐसे आप इस पर कर सकते हैं। ये सैंड पेपर होता है, आप इसे सैंड पेपर की जगह पर यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, तो इसे भी शेड करते हैं। और गाइस, ये आ जाती है हमारी ब्लेंडिंग स्टम्प। तो ये हमें इसमें 6 वाली देखने को मिल जाती है, और 5 वाली, और 4th वाली, और यहाँ पर 3rd वाली आप देख सकते हैं, और ये है 2 और ये है 1। इन्हें मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अभी मैं आपको इन्हें ब्लेंड करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये हमारी पेंसिल, इसे मैं यहाँ पर शेड कराऊँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने शेड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको ब्लाइंड करके दिखाता हूँ, 3 वाली से मैं आपको ब्लाइंड करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं गंदी हो गई है। देखिए गाइस, इससे ये ब्लाइंड करने में यूज आती है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथली ब्लाइंड हो रहा है इससे। तो ये हमारी ब्लेंडिंग स्टम, अब इन्हें भी हम अलग रख देते हैं। और गाइस, ये आ जाती है हमारी नीडल रेजर, आप देख सकते हैं। इसमें ये थोड़ी ग्लिटर लगी है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसे मैं हाइलाइट्स के लिए यूज़ करता हूँ। गाइस, ये ब्लेंडिंग स्टम, रेंगर पेपर और नीडल रेजर की, इन सब की मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है अनबॉक्सिंग की, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये है नीडल रेजर, अभी मैं इसे यूज करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये रही हमारी शेडिंग जिसे मैंने अभी करा था, और मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमारी ये छोटी है, और आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए, ये हाईलाइट करती है, बहुत ही अच्छे हाईलाइट हो जाते हैं इससे, देखिए। और इससे आप रफ स्केच को भी मिटा सकते हैं ये।
तो अपने नेक्स्ट आइटम पर बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर एयरबर्ड। गाइज ये एयरबर्ड आप समझ रहे हो कान साफ करने के लिए यूज नहीं करता मैं, ये मैं शेडिंग को ब्लाइंड करने के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें कॉटन है, कॉटन से शेडिंग ब्लाइंड हो जाती है। और ये आपको इस पर कलर दिख रहा होगा, इसे मैं कलर ब्लाइंड करने में भी यूज करता हूँ, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये है हमारी ब्लाइंडिंग सिस्टम, इसमें से एक मैं ले लेता हूँ, ये वाली मैंने ले लिया यहाँ पर। अब देखिए इधर साइड से, इससे और भी अच्छे से ब्लाइंड होता है, इसी को ब्लाइंड करते हैं। देखिए इससे यहाँ पर कितनी स्मूथली और कितने अच्छे तरीके से ब्लाइंड हो रहा है। तो गाइस चलिए अब इन्हें भी साइड रख देते हैं हम। और ये है हमारा स्पंज, ये एक मेकअप स्पंज है, आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब गाइस ये यूज क्यों होता है, ये होता है जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने ब्लाइंड करी है और यहाँ पर भी ये मैंने ब्लाइंड करा है, तो इसमें थोड़ी ये मैंने यहाँ पर ब्लाइंड करा है और यहाँ पर भी मैंने ब्लाइंड करा है, तो इसमें थोड़ी स्मूथनेस नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं ये स्मूथनेस नहीं आ रही है। तो अब इसमें स्मूथनेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ी देर तक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत स्मूथनेस आ गई है। कैमरे में आपको इतना परफेक्ट नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा है, इससे स्मूथनेस बहुत परफेक्टली आती है। इस पर भी एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए इस पर भी स्मूथनेस आ गई है, पर इसमें एक दिक्कत है, हल्का हो जाता है ये शेडिंग। मैंने यहाँ पर हल्की शेडिंग करी है पर फिर भी ये बहुत काम की चीज़ है। और गाइस ये आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा, ये मेकअप स्पॉन्ज होता है पर ये ड्राइंग में भी यूज होता है। और गाइस ये है कटर, यहाँ पर बहुत गंदगी लगी है, पहले बहुत अच्छा था ये, इसे मैं अपनी पेंसिल को साफ करने में, बहुत देर तक साफ ना करनी पड़े इसलिए मैं इसे साफ करने में यूज करता हूँ, पर आप संभल के करना क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। मेरा इससे एक बार थंब कट गया था, यहाँ पर उतना परफेक्टली दिख नहीं रहा होगा, पर जब मैं ऐसे करूँगा तब उतना परफेक्टली दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं चलिए। तो ये है हमारी कॉटन, अब आप समझ रहे होंगे कॉटन क्यों यूज़ होती है इसमें, कॉटन इसलिए यूज़ होती है, ये भी हमारे ब्लाइंड करने के लिए यूज़ होती है, ये हमारे ब्लाइंड करने के लिए भी यूज़ होती है गाइस। और सबसे अच्छा आप कॉटन से करिए, कॉटन से ये बहुत अच्छा ब्लाइंड होगा, आप देख सकते हैं। अभी मैं अलग से शेडिंग करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मिट गया है। गाइस ये है 6B पेंसिल, इसे मैं यहाँ पर शेडिंग करता हूँ। गाइस मैंने ऐसे इसलिए करी है जल्दी करने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं अब मैं इसे ब्लाइंड करने वाला हूँ। तो आप गाइस देख सकते हैं इससे कितना परफेक्टली ब्लाइंड हुआ है, इसमें आपको स्पंज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप चाहें तो इसमें स्पंज का यूज कर सकते हैं। तो गाइस एक और चीज, ये हमारी रेजर डोम्स की, इसे भी मैं यूज करता हूँ ड्राइंग को मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए, इससे बहुत अच्छा रेज हो जाता है, आप देख सकते हैं। आपको ये मिनिमम 3 रुपीज के अराउंड मिल जाएगी किसी भी स्टोर पे, इसे रखते हैं अब। और गाइस ये है वाइट पेन, आपको ये मिलेगा कम से कम 80 रुपीज के अराउंड, और ये किसी
देखिए मैं आपको अभी प्राइस पे चला के दिखाता हूँ, और ये किसी ऐसे वैसे स्टोर पे नहीं मिलेगा, इसे आपको पूरा परफेक्ट स्टेशनरी के स्टोर पे ही मिलेगा। ये आपको आपको इससे मैं चला के दिखा देता हूँ। देखिए गाइस ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। इसे मैं हाइलाइट्स करने के लिए ड्राइंग में, जो हाइलाइट्स वगैरह होते हैं शेडिंग में या फिर कलरिंग में, कलरिंग में भी मैं इसे यूज़ करता हूँ हाइलाइट्स करने के लिए, पर वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। इसे शेडिंग में मैं हाइलाइट्स करने के लिए यूज़ करता हूँ, पर गाइस इसे आप वाइटनर मत समझ लेना, क्योंकि अगर इसे हम ब्लैक पेन पर चलाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और अगर ब्लू पेन पर चलाते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है। तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कलरिंग के भी टूल्स दिखाने वाला हूँ। इसी वजह से मैंने आपको इस वीडियो में कलरिंग के टूल्स नहीं दिखाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे सभी को सपोर्ट करिए जल्द से जल्द ग्रो करने के लिए। तो यही थी आज की वीडियो, बाय बाय।